दोस्तों आज हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा है और ये टांगने वाला है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाया जाता है। पहले इसमें यहाँ पर आप कुछ हुक वगैरह में इसको लगाएंगे, फिर इसमें आप यहाँ पर कोई चीज़ लगाएंगे, टांगेंगे, जिससे कि आप वजन को आप टांग कर, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है, कोई बोरी वगैरह है, तो उसको आप इसमें फंसा कर उसका वजन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस कांटे में एक प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि चलिए पहले तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ कि हम जो भी रिपेयरिंग बताते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हम आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं या किसी तरह का हम आपको कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं देते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों इस पावर वाले बटन से हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, आप डिस्प्ले इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर 00 जो है वो आ रहे हैं लेकिन कट कट के आ रहे हैं, मतलब ये सही तरीके से कुछ दिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर हम इस पर कोई वज़न तोलते हैं, इस तरीके से मैं इसको खींच के इसको बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वज़न तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो आज इस प्रॉब्लम को ही हम ठीक करेंगे। दोस्तों इसके लिए आप पहले इसको ऑफ़ कर लीजिए और यहाँ पर जो इसके ये बोल्ट हैं दो, इनको खोल लीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर ये ब्लिंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले बैटरी की वजह से आती है, तो आपको बैटरी को यहाँ इस तरीके से यहाँ पर निकाल कर देखना है और आप बैटरी के वोल्ट ज़रूर चेक कर लें। मेरे पास ये एक डिजिटल मीटर है जिसको मैंने DC 20 वोल्ट पर सेट किया है और अब हम इसके वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। और ये ध्यान रखना कि आपको वोल्ट इस साइड में चेक करना है जिधर ये अलग अलग पत्तियाँ लगी हुई हैं, जिधर ये एक पत्ती है इस तरफ आपको वोल्ट चेक नहीं करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5.76 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारे वोल्ट ठीक है, हमारी बैटरी डाउन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का मीटर नहीं है तो आप ये बैटरी नहीं लगा कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि इसके वोल्ट जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हमें इसकी बैटरी को निकालना होगा। ठीक है, इसकी बैटरी निकालने के बाद आप जो मैंने ये वाले दोनों स्क्रू बताए इनको आप ओपन कर लीजिए और इस पत्ती को भी यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सही नॉलेज मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप वीडियो स्किप कर देते हैं और काम की नॉलेज जो है वो छूट जाती है। तो यहाँ पर हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है, आप इसको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से दबाकर खोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अलग कर दिया। अब आप इसको यहाँ पर रख लीजिए और इसका जो ऊपर का कवर है उसको यहाँ पर हटा देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले आप ये देख लीजिए कि इसके कनेक्शन किस तरह से। ठीक है, और आप ऐसे इसको गड़बड़ ना करें, जल्दी में ना खोलें, जिससे कि इसकी वायरिंग वगैरह ख़राब ना हो। ठीक है, अभी आपको इसको भी इस तरफ को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये इसकी डिस्प्ले है और PCB है और ये यहाँ पर लॉक से रुकी हुई है। ठीक है, तो आपको इसके लॉक भी यहाँ पर हटा देना है। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों इसको हटाने के बाद में आपको यहाँ पर इसकी जो ये लाइट है ये भी आ जाती है अलग, इसको भी अलग करना है। और मेन जो चीज़ है आपकी वो ये है डिस्प्ले। ठीक है, मेन चीज़ जो ये है डिस्प्ले है। अब दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये जो इसकी रबड़ है ये सही तरीके से इससे कनेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं तो ये प्रिंट से सही तरीके से ये टच नहीं हो रही है इसके लिए दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक प्रॉब्लम और ये भी है कि इसके यहाँ पर जो बोल्ट थे, इसमें दो बोल्ट होते हैं PCB को रोकने के लिए, तो वो दो बोल्ट भी नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ लूजिंग है, इसी की वजह से डिस्प्ले सही काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपको इसको साफ़ करना है। और इसको साफ़ करने का भी एक खास तरीका है, ऐसे नहीं कि आप ब्लेड वगैरह किसी चीज़ से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये ठीक से साफ़ नहीं होगी। मैं अभी बताता हूँ कि आपको इसको कैसे साफ़ करना है। देखिए इसको साफ़ करने के लिए आप इस तरह के इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप इससे साफ़ करेंगे तो इसका जो कार्बन वगैरह है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ होगा और इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आराम आराम से इसको साफ़ करें, आराम आराम से इसके प्रिंट पर जितना भी कार्बन है देखिए वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसको फिर से फिट करना है और उसके बाद इसको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, इसके बोल्ट वगैरह आपको नहीं लगाना है, पहले आपको इसको यहाँ पर रख लेना है और इसको चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को फिर से लगाता हूँ और जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से आप अपने जो बोर्ड है उसको आराम से आप लगा सकते हो। यहाँ पर पहले आपको लाइट को भी लगाना होगा इसी तरह से। ठीक है, ठीक है,
अब हमें इसके बोर्ड को लगाना है। इसकी वायरिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है वो टूट गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वायरिंग जो है वो दूसरी कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, ये दोबारा से टूट जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन करना है और नेगेटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव आपको वायर को लगाना है। ये रॉन्ग कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ये पीसीबी प्लेट है ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, देख लीजिए ये जो है प्लस वाली वायर है ग्रीन कलर की, और इधर आप देख सकते हैं ये प्लस वाली है। अब हमें इसको बंद करना है, ठीक है। और बंद करने से पहले, क्योंकि हम इसको चेक करेंगे, लेकिन चेक करने से पहले जो है हमें इस कांटे को यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको रख के, ठीक है, इस तरह से रखना है, और इसके दोनों जो सिरे हैं वो यहाँ को निकालना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको इसको रखना है, यहाँ पर इसका कवर लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें जो है वो स्क्रू लगाना है, छोटे छोटे जो यहाँ पर ये जगह है जो इसमें पहले नहीं थे, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी पीसीबी सही तरीके से टाइट नहीं हो रही है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो पीसीबी बिल्कुल सही तरीके से टाइट हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद हम इसको एक बार चेक ज़रूर करेंगे। हमने इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसका हम ये पिन लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसको खींच कर एक बार चेक भी करना है, ठीक है, कि ये काम कैसा कर रहा है। तो ये मैं लगा देता हूँ और इसके बोल्ट को भी टाइट यहाँ पर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। अब हम इसमें बैटरी को लगाते हैं और बैटरी लगाकर इसको हम ऑन करके भी देखेंगे, ठीक है। दोस्तों दोनों बैटरी इसके अंदर लगा दी हैं, चलिए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, एक दो सेकेंड, और उसके बाद ये ऑन हो जाता है। तो ये ऑन हो चुका है। अब आप इसमें अगर कोई वज़न इसमें यहाँ पर लटका कर टांगेंगे और इसमें वज़न टांगेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये कैमरे में दूर से धुंधली दिख रही है, लेकिन काम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों इस कांटे में जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ यही थी कि इसकी डिस्प्ले जो थी वो सिर्फ थोड़ी सी धुंधली हो रही थी, और वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पर जो था दोस्तों इसके जो बोर्ड के प्रिंट थे उन पर कार्बन आ गया था। तो हमने उसको इरेजर से साफ कर दिया और इसमें हमारा एक भी पैसे का खर्च नहीं आया है। तो आप भी अपने कांटे को इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।